नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सिविल एलिमेंट्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं बिल्डिंग से रिलेटेड सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक नॉलेज कुछ बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोग फ्रेशर हैं या साइट पे पहली बार काम करने जा रहे हैं तो आप लोगों के ये जानकारी बहुत काम आएगा। दोस्तों, प्लिंथ जब हम बनाते हैं तो उसका हाइट कितना रहता है वो आपको मैं इस पेपर में बताने जा रहा हूँ। प्लिंथ की हाइट दोस्तों 45 सेंटीमीटर या 450 mm होती है। बिल्डिंग हाइट जो है 315 सेंटीमीटर या 3150 mm रहती है। लिंटल हाइट दोस्तों 210 सेंटीमीटर या 21 mm होता है, और लिंटल थिकनेस जो 150 mm या 15 सेंटीमीटर रखते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं यहाँ पैरापेट वाल के बारे में बताने जा रहा हूँ। पैरापेट वाल की हाइट जो है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर होती है। डीपीसी की थिकनेस जो है 25 mm या 2.5 सेंटीमीटर होता है। राइजर हाइट जो है 150 mm या 15 सेंटीमीटर रखते हैं। ट्रेड की जो चौड़ाई है वो 280 mm या 28 सेंटीमीटर रखते हैं। दोस्तों, ट्रेड और राइजर ये स्टेयर में होता है, जो मैं इधर फिगर के द्वारा बताने की यहाँ कोशिश किया हूँ, जो आप लोगों को इस वीडियो में दिख रहा है। प्लास्टर थिकनेस अंदर के वाल का जो प्लास्टर थिकनेस है दोस्तों वो 1.2 सेंटीमीटर या 12 mm का होता है। प्लास्टर थिकनेस इन सीलिंग छत जो रहती है, रूफ का जो बॉटम रहता है उसमें जो है 0.6 सेंटीमीटर या 6 mm का लेते हैं दोस्तों। मैं पेपर आगे कर रहा हूँ। प्लास्टर थिकनेस इन एक्सटर्नल वाल दोस्तों, अगर प्लास्टर थिकनेस हम डबल कोट में कर रहे हैं आउटर वाल में, तो उसमें जो फर्स्ट कोट है वो 1.8 सेंटीमीटर या 18 mm का रफ प्लास्टर कर लेते हैं। उसके बाद प्लास्टर थिकनेस इन एक्सटर्नल वाल इन डबल कोट में 12 mm का या 3 सेंटीमीटर का होता है। डोर हाइट इन बेडरूम, जो अंदर का बेडरूम होता है उसमें डोर की हाइट दोस्तों 2100 mm या 210 सेंटीमीटर रखते हैं। और डोर हाइट इन मेन गेट शुड बी 240 सेंटीमीटर या 2400 mm होता है दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद में जो आगे वीडियो बनाऊंगा उसमें और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जानकारी लेके आऊँगा।